गाइज आज मैं आपको टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। फैक्ट नंबर 1, गाइज हम सभी लोग चंदा मामा यानी कि चांद को तो देखा ही होगा, लेकिन गाइज क्या आपको पता है कि चंदा मामा का वजन आखिर कितना है? बहुत ही बेहतरीन जानकारियां बताएंगे इस वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल आपके जानकारी के लिए बता दूं, चंदा मामा का वजन लगभग 81 अरब टन है, जो कि यह सब बात वैज्ञानिकों के अनुमान द्वारा लगाया गया है। लेकिन आखिर इस वजन को वैज्ञानिक कैसे मापे होंगे, आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, गाइज क्या आपको पता है कि चांद पर भी पौधा उगाया जा चुका है? जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, लेकिन आखिर वो कौन सा पौधा है बताएंगे इस वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल आपके जानकारी के लिए बता दूं, चांद पर सबसे पहले कपास का पौधा उगाया गया था। यही नहीं, इस पौधे को 4 जनवरी 2019 को सफल पूर्वक उगाया गया था। चांद पर बहुत सारे पौधों को उगाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ कपास का एक ऐसा पौधा था जो वहाँ पर पनप पाया था, बाकी का बीज वहाँ पर वैसे ही पड़े हैं। फैक्ट नंबर 3, गाइज क्या आपको पता है कि आखिर हमारे ब्रह्मांड में कितने सारे तारे हैं? कुछ लाजवाब जानकारियाँ देंगे इस वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काम आएगा। दरअसल आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे ब्रह्मांड में इतने सारे तारे हैं कि हमारे पृथ्वी पर स्थित सभी रेतों को कण को एक साथ एक एक करके गिना जाए तब पर भी वह तारे कम पड़ जाएंगे। गाइज वैसे ब्रह्मांड में तारों को गिनना असंभव है, लेकिन आप अपने नंगे आंखों से एक बार में कितने तारों को देख सकते हैं? एक नंबर 4, गाइज क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रोबोट का नाम रोबोट ही क्यों रखा गया? बहुत ही लाजवाब जानकारियां बताएंगे इस वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल आपके जानकारी के लिए बता दूं, रोबोट शब्द का हिंदी अर्थ जबरदस्ती काम करने वाला मजदूर होता है। यही नहीं, रोबोट नाम की खोज रोबोटा नाम से हुई, जो कि एक क्रीज शब्द है जिसका अर्थ होता है एक ऐसे मजदूर जिन्हें अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती काम कराया जाए, और इस प्रकार जबरदस्ती काम कराने वाला मशीन का नाम रोबोट रख दिया गया। एक नंबर 5, गाइज हम सभी लोग जानते हैं कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन गाइज क्या आपको पता है कि चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में आखिर कितना समय लगता है? बहुत ही बेहतरीन जानकारियां देंगे इस वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल आपके जानकारी के लिए बता दूं, चंदा मामा यानी कि चांद की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का टाइम लगता है। इतना कम समय इसलिए लगता है क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी सूरज की तुलना में बहुत ही नजदीक है। गाइज यह जानकारी जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही यूनिक फैक्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।